हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन में आप लोग रैम को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास एक रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको रैम को एक्सटेंड करना है, तो आपके फ़ोन में अगर 2 GB, 4 GB या 6 GB रैम है, आपको जो रैम को एक्सटेंड करना है, तो आप लोग जो इस फ़ोन में वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसे आप लोग रैम को एक्सटेंड कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का। तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, तो इस मेमोरी एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आपके फ़ोन में ऑप्शन बंद रहेगा, तो आपको इसको ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते रिबूट का ऑप्शन आएगा, रिबूट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है वो एक बार पावर ऑफ होकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मतलब रिस्टार्ट होगा और आपका जो रैम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सीधा सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग अगर रैम सर्च करोगे तब भी यहाँ पर रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर से भी आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग मेमोरी टाइप करोगे तब भी आपके फ़ोन में रैम का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर से भी आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। रैम को इंक्रीज़ करने के लिए आपको जो है और एक जो है ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर आप लोग एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हो तब भी आपका रैम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन रैम को जो है थोड़ा सा जो है ले लेते हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दी जो एप्लीकेशन आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, और आपका जो रैम है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन में आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।